भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी कर दिया है। वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बालाकोट एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया और बालाकोट हवाई हमले की कहानी बताई। इस वीडियो में दिखाया गया है कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर किस तरह से हमला किया और आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। वीडियो में एयर स्ट्राइक की पूरी प्रक्रिया को दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में 40 से ज्यादा जवानों की जान चली गई थी। हमले के जवाब में वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। एयर स्ट्राइक में वायुसेना ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी अड्डों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए थे। सरकार ने दावा किया था कि एयर स्ट्राइक में दर्जनों आतंकी मारे गए थे। वीडियो जारी करते हुए वायुसेना प्रमुख ने आधुनिक राफेल लड़ाकू विमान को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, राफेल और S-14 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली भारतीय वायुसेना की क्षमता को और बढ़ाएगी। 27 फरवरी को श्रीनगर में MI-17 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी हुई है और यह हमारी गलती थी, क्योंकि हमारी ओर से दागी गई मिसाइल ने हमारे ही हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा, हम दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम स्वीकार करते हैं कि यह हमारी बड़ी गलती थी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी गलतियाँ न दोहराई जाएं।